थाईलैंड में फिफी आइलैंड, ये वाली जो जगह है वो टॉप पर होती है सभी के विश लिस्ट में घूमने फिरने के लिए। और फिफी आइलैंड जो है वो बहुत ज़्यादा क्यूट सा एक आइलैंड है, जहाँ पर काफ़ी सारे शॉपिंग के ऑप्शंस तो है ही, पर आप बोट के थ्रू काफ़ी सारी जगहों पर जा सकते हो घूमने के लिए। एंड बहुत बहुत यहाँ का वाटर जो है वो क्लियर होता है, बहुत क्लीन होता है, एंड काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती है, जैसे स्नॉकलिंग हो गया, कायकिंग हो गया, एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे रिसॉर्ट्स भी है यहाँ पर। अगर आप कहीं दूर रहना चाहते हो तो थोड़ा सा आपको फिर मार्केट प्लेस से दूर रिसॉर्ट बुक करना होगा, बट मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी अगर आप फीफी आइलैंड पे रहना चाहते हो तो आपको मार्केट के आसपास ही कहीं बुकिंग करनी चाहिए। तो कहाँ पर आप बुकिंग कर सकते हो उस रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो जो है वो बनाया है, बहुत ही बेहतरीन सा थोड़ा बहुत बजट फ्रेंडली रिसॉर्ट भी है, तो बस वो रिसॉर्ट भी आप जाके देख सकते हैं, जिसका नाम है तानसॉय प्लेस। पूरी डिटेल वीडियो जो है वो मैंने यहाँ पर हमारे चैनल पे डाली हुई है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। तो चलिए जानते हैं फीफी आइलैंड के बारे में इन डिटेल आगे इस वीडियो में। विद दिस आई ऑल्सो वेलकम यू ऑल ऑन अवर चैनल द डो डायरीज, वेर वी क्रिएट कॉन्टेंट रिलेटेड टू ट्रैवल, फूड एंड लाइफ स्टाइल। मैं हूँ नेहा। तो हम जा रहे थे रेले बीच से फीफी आइलैंड, एंड हमारी फेरी थी सुबह 9:30 बजे की। एंड जैसे ही हम फेरी पर पहुँचे, फेरी कम हमें एरोप्लेन वाली वाइब ज़्यादा नज़र आने लगी, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट एकदम हूबहू ऐसे प्लेन वाला ही लग रहा था। एंड सीट्स पर ऐसे साइड में रिमोट कंट्रोल वगैरह था, सामने स्क्रीन थी, ये बात अलग है हमने काफ़ी कोशिश की पर वो स्क्रीन ऑन नहीं हुई। ठीक है, पर ऐसे हम 10 मिनट बैठे इंडोर सिटिंग एरिया में, फिर मैंने सोचा यार थोड़ा बाहर निकलते हैं, यहाँ के समुंदर की लहरों का मज़ा लेते हैं। तो बस मैं बाहर आ गई एंड काफ़ी बढ़िया नज़ारा देखने मिल गया। हमारी फेरी जो थी वो समय से थोड़ी लेट शुरू हुई, उसके बाद हमें 1.5 घंटे के आसपास लग गए फीफी आइलैंड तक पहुंचने के लिए। एंड वहाँ पियर पर एंट्री पॉइंट के लिए आपको 20 या 30 बात के आसपास पे करना होता है पर पर्सन, उसके बाद आप आइलैंड पर एंट्री कर सकते हो। तो पहले हमने सोचा कोई टूर बुक कर लेते हैं, बट यहाँ पर जो टूर्स है वो सुबह 9 बजे से शुरू हो जाती है, या फिर हाफ डे टूर जो है वो 2 बजे के बाद शुरू होती है। तो पहले हमने डिसाइड किया रिसॉर्ट जाते हैं, तो रिसॉर्ट तो हमारा काफ़ी बढ़िया निकला, बहुत ज़्यादा सुकून मिला रिसॉर्ट को देखकर। एंड बाद में खाने पीने में आराम में हम थोड़े लेट हो गए, इसलिए फिर हमने सोचा पूरा दिन आज चिल करते हैं। सो अगले दिन के लिए हमने एक प्राइवेट बोट बुक कर ली, जो हमें लेकर जाने वाली थी काफ़ी जगहों पर, जैसे बाम्बू आइलैंड, माया बे, और बाहर से ऐसे वाइकिंग केव्स हम देखने वाले थे। एंड सबसे पहले हम पहुंच गए मंकी आइलैंड पर, जहां पर जाने के लिए थोड़ा स्विम करके जाना पड़ता है, जहां पे आपको थोड़े बाहर से ऐसे मंकीज़ दिख जाते हैं, आप अंदर तो नहीं जा सकते हो। तो यहाँ पर अगर 15 से 20 मिनट भी बिताए तो भी काफ़ी है, मुझे ये जगह थोड़ी सी ठीक लगी। तो आप अगर ये सारे टूर्स करने वाले हो तो अपने साथ ज़रूर से एक स्विम वेयर कैरी कीजिएगा, साथ में एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लोथ्स भी साथ में रखिएगा।
सो मंकी आइलैंड के बाद हम पहुंच गए बाम्बू आइलैंड, जहां का पानी का कलर एकदम ज़बरदस्त था, एकदम ब्लू कलर का पानी एंड काफ़ी ज़्यादा क्लीन भी था, लोग स्नॉकलिंग भी कर रहे थे। और एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी, यहाँ कड़कती धूप होती है, तो अगर आप यहाँ आने का प्लान कर रहे हो तो अपने आप को हाइड्रेटेड रखिएगा एंड सनस्क्रीन अप्लाई करते रहिएगा। एंड जो भी ऑप्शन आप सिलेक्ट करोगे, प्राइवेट बोट या फिर शेयरिंग बोट, तो आप फूड का जो पैकेज है उसमें इंक्लूड कर सकते हो। यहीं पर मोस्टली लोग हॉल्ट लेते हैं लंच टाइम पर एंड काफ़ी अलग अलग ग्रुप्स के फूड आइटम्स हमें यहाँ पर देखने मिल गए। एंड ये जगह जो है वो नेशनल पार्क से काफ़ी ज़्यादा करीब है, इसलिए हमें इन्हें भी देखने का मौका मिल गया। तो वाइकिंग केव्स जो है वो हमें बाहर से देखना पड़ता है। तो उसके बाद हम पहुंच गए माया बे एंड वहाँ पर हमें टाइम लिमिट दी गई 40 मिनट की। एंड जैसे ही हम वहाँ पर पहुँचे, हमने देखा बहुत सारे लोग थे, हमें लगा काफ़ी टाइम लग जाएगा, बट इतना ज़्यादा समय नहीं लगा क्योंकि वहाँ पर अच्छा खासा पाथवे बनाया गया है जहाँ पर आप कंफर्टेबली वॉक करके एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हो। एंड बहुत बहुत ज़्यादा फ्रेश वाली वाइब यहाँ पर महसूस हो रही थी। तो फीफी आइलैंड पर वापस जाने से पहले एक और बार स्नॉकलिंग करने का मौका हमें मिला एंड वहीं पर हमें काफ़ी लोग नज़र आए जो स्कूबा डाइविंग भी कर रहे थे। एंड 15-20 मिनट ही हुए थे स्नॉकलिंग करते हुए और एकदम तूफान वाला माहौल हो गया, एकदम अचानक से घने बादल आ गए। एंड जो हमारी बोट थी उसमें जो लोग थे उन्होंने हमें कहा कि हमें तुरंत ही वापस फीफी आइलैंड कैसे भी पहुँचना है। एंड एकदम तेज़ हवा, तेज़ लहरें एंड सामने काले काले बादल देख कर ऐसे पूरी हॉलीवुड वाली मूवी वाली वाइब आ रही थी। एक बार जो डर भी लग रहा था, बट हम सेफली फीफी आइलैंड पहुंच गए।
टोटली पैसा वसूल। यहाँ पर आप बिल्कुल भी बोर नहीं होने वाले हो, यहाँ पर शॉपिंग के तो इतने ऑप्शंस है और कलेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़िया है हर एक चीज़ का। एंड साथ में अगर कहीं पर शांत वाली वाइब है तो कहीं हैपनिंग वाइब है, कहीं कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही है शाम के टाइम पर। अगर आप कोई टूर नहीं कर रहे हो तो कायकिंग कर लो, यहाँ पर काफ़ी कैफेज़ है, रात के टाइम की वाइब अलग है। तो ऑल इन ऑल फीफी आइलैंड पे जाना तो बनता ही है। सो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा अपनी ट्रिप प्लान करने के लिए। तो अगर आपने हमारे इस वीडियो को पसंद किया है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस पर कॉमेंट भी ज़रूर से कीजिए, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक एवरीवन टेक केयर, बाय।